साथ रक्षा बुराटे और आप देख रहे हैं आई फोर न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुंबई से आ रही बड़ी खबर के अनुसार सर्जरी के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को दूसरी बार कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। सर्जरी से पहले किए गए टेस्ट में ये बात सामने आई कि उन्हें एक बार फिर कोरोना हुआ है। आज यानी 1 जून को उनके पैर की सर्जरी होनी थी, लेकिन अब कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद उनकी ये सर्जरी टाल दी गई है। कल शाम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसीलिए राज ठाकरे का इलाज कर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया है। इस बीच लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सर्जरी स्थगित करने का फैसला लिया है, क्योंकि वे कोविड डेड सेल के कारण एनेस्थेसिया नहीं दे सकते थे। ये जानकारी मनसे सचिव सचिन मारुति मोरे ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। इससे पहले 23 अक्टूबर 2021 को राज ठाकरे को पहली बार कोरोना हुआ था। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और आप देखते रहिए आई फोर न्यूज़। और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।